नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं लक्षिता, खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश थाना संभलगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। राजस्थान के गांजा तस्कर को 10 किलो गांजे सहित किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश जिला मुरैल संभलगढ़ पुलिस थाना को मुखबिर की सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर आटार घाट के संभलगढ़ आ रहे गांजा तस्कर दिनेश गोस्वामी, ग्राम लालोनी, तहसील कंचनपुर, जिला धौलपुर, राजस्थान के संभलगढ़ के मांगरोल गांव की नहर पुलिया के पास पुलिस ने पकड़ा। आरोपी मोटरसाइकिल पर बंधे बोरे में 10 किलो गांजा मिला, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1 लाख बताई जा रही है। आरोपी से गांजा जब्त कर लिया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें सबसे अहम भूमिका निभाई SI वीर सिंह, SI प्रताप सिंह लोधी की रही। पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान एडिशनल SP महोदय व SDP महोदय के निर्देशन पर अवैध गांजा, भांग, अफीम आदि की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत आज दिनांक 25/10/19 को मुखबिर से सूचना मिली कि राजस्थान का एक व्यक्ति अटार घाट से सबलगढ़ तरफ मोटरसाइकिल से आ रहा है, जिसके पास एक कट्टे में गांजा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर तत्काल मैं बल और पंचानों के मागरोल लहर पर पहुँचे और वहाँ नाकाबंदी की। करीबन 10-15 मिनट बाद एक व्यक्ति राजस्थान पास मोटरसाइकिल से, जिसकी मोटरसाइकिल पर पीछे कट्टा बंधा हुआ था, आता हुआ दिखाई दिया, जिसे घेराबंदी करके पकड़ा। उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम दिनेश गोस्वामी पुत्र बाबू गोस्वामी निवासी लालोनी थाना कंचनपुर जिला धौलपुर बताया। उसकी मोटरसाइकिल में बंधे हुए कट्टे की तलाशी ली तो उसमें पैकेटों में रखा हुआ 10 किलो गांजा मिला। उक्त 10 किलो गांजा की कीमत करीबन 1 लाख रुपए है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि वो गांजा कहां से लाया और कहां सप्लाई कर रहा था। सर, इसके किसी अन्य ग्रोह अभी पूछताछ जारी है। अभी क्योंकि आदतन अपराधी महसूस हो रहा है, लिहाजा अभी बता नहीं रहा, लेकिन पूछताछ जारी। इसके नाम से कई अन्य थानों में कई और अपराध पंजीकृत हैं। चूँकि ये मूलतः राजस्थान का रहने वाला है, तो राजस्थान जहाँ का ये रहने वाला है उस थाने कंचनपुर से संपर्क करके पता किया। नहीं, ये अकेले ही आ रहा था। गांजा कहाँ से खरीद के लाया सर? ये अभी पूछताछ कर रहे हैं, अभी कई बदल बदल के बता रहा है, इसलिए अभी स्पष्ट नहीं बता सकते कहाँ से लाया और कहाँ ले जा रहा। संवाददाता जितेंद्र तिवारी।